क्या आपको पता है कि शरीर पर टैटू बनवाने से सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती है? क्या आप जानते हैं कि भिंडी खाने से आपकी जान जा सकती है? क्या आपको पता है कि ताजमहल में रात के समय लाइट क्यों नहीं जलाई जाती है या फिर वहाँ लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई हैं? क्या आप जानते हैं कि खरगोश अपने ही बच्चों को क्यों खा जाता है? क्या आप जानते हैं इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी ब्लू व्हेल बड़ा शिकार क्यों नहीं करती है और इंसानों पर हमला करने से क्यों बचती है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा QR कोड भी है जो पेड़ों की मदद से बनाया गया है? क्या आप जानते हैं कि मानव हड्डियों से बना चर्च किस देश में है? यकीनन आपने आज तक ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, खरगोश बहुत ही प्यारा और क्यूट जीव है जिसकी वजह से कई लोग इसे पालतू बनाकर अपने घर पर रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मादा खरगोश भूख लगने पर अपने ही नवजात बच्चों को खा जाती है ताकि उसके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके। दरअसल बच्चे को जन्म देने के बाद मादा खरगोश का शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है। ऐसे में अगर उसे पर्याप्त मात्रा में हरी घास न मिले तो वो अपने बच्चों को खा जाती है। इसके अलावा मादा खरगोश अपने बच्चों को दूसरे जानवरों का शिकार होने से बचाने के लिए भी उन्हें खा जाती है, जबकि कई बार स्ट्रेस में होने की स्थिति में मादा अपने नवजात बच्चों को खाने से परहेज नहीं करती है। दरअसल खरगोश के दांत और नाखून जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ऐसे में अगर उन्हें समय रहते ना काटा जाए तो वो इतने नुकीले और धारदार हो जाते हैं कि खरगोश उनकी मदद से घास के अलावा मांस का सेवन भी आसानी से कर सकता है। इस फैक्ट को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मादा खरगोश में कुत्ते या बिल्ली जैसे पालतू जानवरों की तरह मातृवृत्ति की भावना नहीं होती है, इसलिए वो अपने बच्चों के प्रति ज्यादा रक्षात्मक व्यवहार नहीं रखते हैं। फैक्ट नंबर 2, ब्लू व्हेल को धरती पर सबसे विशालकाय जीव माना जाता है जिसकी शारीरिक लंबाई 30 मीटर और वजन 199 टन तक होता है। इतने विशालकाय शरीर की वजह से ब्लू व्हेल को काफी खतरनाक माना जाता है जिसका मुंह इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर आसानी से 100 इंसान समा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा मुंह होने के बाद भी ब्लू व्हेल इंसान को क्यों नहीं खाती है या फिर किसी विशालकाय के जीव को एक ही बार में क्यों नहीं निगलती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ब्लू व्हेल का मुंह तो काफी बड़ा होता है लेकिन इसका फूड पाइप या भोजन निकलने वाली गली की ग्रंथि बहुत ही छोटी होती है। यही वजह है कि ब्लू व्हेल अपने विशाल शरीर के हिसाब से बड़ा भोजन नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से उसे छोटे जीवों का शिकार करना पड़ता है जिन्हें वो आसानी से एक ही बार में निकल सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल के गले की ग्रंथि इतनी छोटी होती है कि वो एक समय में सिर्फ बीच बॉल के आकार वाले भोजन को ही निगल सकती है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी ब्लू व्हेल बड़ा शिकार क्यों नहीं करती है या फिर वो इंसानों पर हमला करने से क्यों बचती है। फैक्ट नंबर 3, अगर हम आपसे पूछें कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है तो आप गोल्ड या डायमंड का नाम लेंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस पूरी दुनिया में गोल्ड और डायमंड से ज्यादा महंगी और कीमती चीज एक लकड़ी या पेड़ है तो क्या आप यकीन करेंगे? हम आपको बता दें कि अगरवुड दुनिया का सबसे कीमती और रेयर लकड़ी मानी जाती है जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों में पाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 किलोग्राम अगरवुड लकड़ी की कीमत $1,00,000 यानी 79 लाख रुपए है, जबकि इसके मुकाबले गोल्ड और डायमंड की कीमत बहुत ही कम है। भारत में 1 ग्राम डायमंड की कीमत 3,25,000 रुपए है, जबकि 10 ग्राम गोल्ड तकरीबन 48,000 रुपए की कीमत में मिल जाता है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगरवुड गोल्ड और डायमंड के मुकाबले कितनी महंगी लकड़ी है। दरअसल इस लकड़ी का इस्तेमाल दुनिया भर के महंगे और खुशबूदार परफ्यूम, स्किन केयर ऑयल, अगरबत्ती और जड़ी बूटी तैयार करने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि अगरवुड की कीमत इतनी ज्यादा है और इसे गॉड ऑफ वुड के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो एयरपोर्ट पर भीड़ और फ्लाइट लेट होने की समस्या से परेशान हैं, तो इस फैक्ट को जानने के बाद शायद आपका हवाई सफर कुछ हद तक आसान हो जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट की भीड़भाड़ और वेटिंग से बचना चाहते हैं, तो अपनी फ्लाइट टिकट सुबह और दिन के बजाय रात की बुक करें। दरअसल रात के समय यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है क्योंकि वो अपनी नींद खराब नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में रात के समय एयरपोर्ट पर भी भीड़ कम होती है और फ्लाइट भी खाली रहती है, जिसकी वजह से एकांत में सफर करने वाले लोगों के लिए ये टाइमिंग सबसे बेहतरीन साबित होती है। इसलिए अगर आप भी ट्रैवलिंग की समस्या से बचना चाहते हैं तो सुबह या दिन के बजाय रात के समय सफर करें। फैक्ट नंबर 5,
आप में से बहुत से लोगों को भिंडी बहुत ज्यादा पसंद होगी, जिसे अलग अलग तरीकों से पकाया और परोसा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर भिंडी को गलत तरीके से खाया जाए तो उस स्थिति में आपकी मौत भी हो सकती है। दरअसल डॉक्टर्स की माने तो भिंडी खाने के बाद कभी भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सब्जियों की तासीर अलग अलग होती है। ऐसे में भिंडी के बाद मूली खाने से चेहरे और शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, जिनमें बहुत तेज खुजली होती है। ऐसे में अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो पीड़ित को त्वचा रोग होने के साथ साथ उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं भिंडी खाने के तुरंत बाद करेले का जूस भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पेट में जहर बनने लगता है। ऐसे में अगर करेले के जूस की मात्रा ज्यादा होती है तो पीड़ित की मौत होना तय है, क्योंकि करेले और भिंडी का मिश्रण पेट में खतरनाक और जानलेवा जहर बना देता है, जिसका तुरंत उपचार करना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आपको भी भिंडी खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो इस सब्जी को खाने के बाद किसी गलत चीज का सेवन ना करें। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर किसी भी धर्म के लोग अपने भगवान और उनके स्थापना स्थल को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वो एक पवित्र जगह होती है। लेकिन चेक गणराज्य में मौजूद एक ऐसा चर्च है जिसे मानव कंकाल या इंसानी हड्डियों से सजाया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब चर्च का नाम सेडलेक ऑशुरी है, जिसे 40,000 मृत लोगों की हड्डियों से सजाया गया है। दरअसल 14वीं और 15वीं शताब्दी में युद्ध और प्लेग की महामारी के दौरान चेक गणराज्य में कई हजार लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में पर्याप्त जगह नहीं बची थी। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों ने सोचा कि क्यों न अपने मृत परिजनों की हड्डियों को सुरक्षित रखा जाए, जिसके चलते उन्होंने चर्च के पादरी और संत को मृतकों की हड्डियां इकट्ठा करने का काम सौंप दिया। इस तरह सालों साल तक कब्र से मृतकों की हड्डियों को निकाला गया और साल 1870 में तकरीबन 40,000 हड्डियों को इकट्ठा करके चर्च को कलात्मक तरीके से डिजाइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से सेडलेक ऑशुरी चर्च दुनिया भर में मशहूर हो गया। इस चर्च की तस्वीर देखकर पहली बार में कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, लेकिन इसके बाद भी सालाना 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस चर्च को देखने के लिए चेक गणराज्य जाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हड्डियों वाले चर्च की वजह से चेक गणराज्य का पर्यटन काफी हद तक बढ़ गया है, जिसकी अलग बनावट पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो इस दुनिया में अपने घर के अलावा कोई दूसरी सुरक्षित जगह नहीं है, लेकिन विश्व युद्ध या न्यूक्लियर हमले के दौरान आम लोगों के घर को ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर भविष्य में कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो आप उत्तरी टोरंटो में हॉर्निंग्स मिल्स गांव में छिप सकते हैं। इस गांव में आर्क 2 शेल्टर है, जिसे साल 1980 में ब्रूच बीच नाम के व्यक्ति ने बनाया था। ये शेल्टर 10,000 स्क्वायर फुट के एरिया में बनाया गया है, जिसमें एक साथ 42 स्कूल बसें खड़ी हो सकती हैं। जमीन के अंदर बनाए गए इस शेल्टर का मुख्य मकसद आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखना है, जिसमें एक समय पर 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इस शेल्टर में एक रेडियो स्टेशन भी है, जिसके जरिए अंदर रह रहे लोगों को पल पल की जानकारी दी जाएगी। इस शेल्टर को डीजल से चलने वाले जनरेटर से लाइट दी जाती है, जिसमें 2 बड़े किचन, बाथरूम, पीने के पानी की सुविधा और आराम करने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। ऐसे में अगर कभी दुनिया का अंत आता है या फिर कोई भयानक युद्ध होता है तो उस स्थिति में 500 लोगों को शेल्टर में छिपाकर मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप आर्मी, वायुसेना और नौसेना समेत आईएएस और आईपीएस किसी बड़े सरकारी पद पर काम करना चाहते हैं तो आपको भूलकर भी अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवाना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि शरीर पर टैटू बनवाने से वो कूल और स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन इस शौक की वजह से वो सरकारी नौकरी करने से वंचित रह जाते हैं। दरअसल बड़े सरकारी पदों पर तैनात ऑफिसर्स को सक्रिय और जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में अगर उनकी बॉडी पर टैटू होगा तो आम जनता उन्हें अपने काम के प्रति कम जिम्मेदार या लापरवाह समझने लगेगी। इसके अलावा अगर डॉक्टर्स की माने तो शरीर पर टैटू गुदवाने से गंभीर बीमारियां होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, जिसमें कैंसर और हेपेटाइटिस जैसे रोग शामिल हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरी या उच्च पद अधिकारियों को अपने शरीर पर टैटू बनवाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि ये उनके पद और प्रतिष्ठा के खिलाफ एक बचकाना शौक लगता है। ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो भूलकर भी शरीर पर टैटू ना बनवाएं, वरना आपको एक संवेदनशील पद से हाथ धोना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने अपने मोबाइल फोन से कई तरह के QR कोड्स को स्कैन किया होगा, जो ऑनलाइन पेमेंट का सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी पेड़ों की मदद से बनाए गए QR कोड के बारे में सुना है, जिसे स्कैन भी किया जा सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चीन में ज़ाइलेंसी गांव के लोगों ने एक अनोखा QR कोड तैयार किया है, जो 130,000 पेड़ों की मदद से बनाया गया है। इस QR कोड को बनाने का मकसद चीन और वहां मौजूद ज़ाइलेंसी गांव के पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो आसमान में उड़
रहे हवाई जहाज से आसानी से देखा जा सकता है। इस QR कोड को प्लेन में बैठे यात्री अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर सकते हैं, जिसके बाद वो सीधा ज़ाइलेंसी गांव की ट्रैवलिंग वेबसाइट पर पहुंच जाता है। इस वेबसाइट पर उन्हें QR कोड और इस गांव से संबंधित सारी जानकारी मिलती है, जिसकी मदद से वो अपना शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस QR कोड की मदद से ज़ाइलेंसी गांव में पर्यटन काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और वो प्राकृतिक चीजों की भी बिक्री कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 10। आप में से बहुत से लोगों ने ताजमहल देखा होगा, जिसे दुनिया भर में प्यार की निशानी के रूप में माना जाता है और ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संगमरमर के पत्थर से बने ताजमहल में रात के समय लाइट्स क्यों नहीं चलाई जाती हैं? इस सवाल का जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ताजमहल में रात के समय लाइट्स इसलिए नहीं जलाई जाती हैं क्योंकि इस इमारत में लाइट लगी ही नहीं है। इसके अलावा ताजमहल सफेद पत्थर से बना हुआ है, ऐसे में अगर इस इमारत पर लाइट लगा दी जाएगी तो पत्थर लाइट्स की रोशनी को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ऐसे में लाइट की रोशनी से आकर्षित होकर कई कीड़े मकौड़े ताजमहल के आसपास मंडराने लगेंगे, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ताजमहल में लाइट ना लगाने का एक कारण ये भी है कि फुल मून के दिन इस इमारत के पत्थर बेहद खूबसूरती के साथ चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से ताजमहल प्राकृतिक रूप से और भी ज्यादा आकर्षक नजर आता है। ताजमहल में लाइट्स ना होना इसकी सुरक्षा को भी बढ़ाता है, क्योंकि अगर इस इमारत पर लाइट लगा दी जाएगी तो दुश्मन देशों के लिए रात के समय ताजमहल पर आसमानी हमला करना आसान हो जाएगा। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये इमारत रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी के बल पर ही जगमगाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।